हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल सीमास किचन चौहान में। आज मैं आपको बताऊंगी समोसा रेसिपी जो एकदम नई स्टाइल में बनाई है मैंने। आज मैं आपको बताऊंगी समोसा बॉक्स रेसिपी, तो चलिए इसे बनाते हैं। ये एकदम यूनिक रेसिपी है, मैंने इसे पहली बार ट्राई किया है और फर्स्ट बार में ये एकदम अच्छे से बन गई। सबसे पहले हमें लेनी है एक छोटी कटोरी सूजी, और यही इसी कटोरी से हमें गेहूं का आटा लेना है। तीन कटोरी गेहूं का आटा ले लेते हैं। ये देखिए, तीन कटोरी आटा ले लिया। अब मैं इसमें चार बड़े चम्मच तेल डालूंगी और स्वाद के अनुसार नमक डाल दूंगी। और एक चम्मच डाल दी मैंने इसमें अजवाइन। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे, ठीक है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमें ऐसे चेक कर लेना है, ऐसे मुट्ठी बांधने पे ये आटा बंधना चाहिए। इससे हमें पता चलेगा कि हमने जो तेल की मोई डाली है वो अच्छे से परफेक्ट हो गई। ये देखिए इस तरीके से। तो चलिए अब इसका हम आटा लगा लेते हैं, अच्छे से सॉफ्ट आटा। थोड़ा थोड़ा पानी करके आटा गूँथ लेते हैं। मैं इसका आटा गूंथ लेती हूँ अच्छे से। नॉर्मल रोटी के जैसा ही आटा गूंथना है। ये देखिए आटा गूंथ लिया मैंने। अब थोड़ा हाथ में तेल ले लीजिए और इसे चिकना कर लीजिए, अच्छे से मसल लीजिए। और इसे ढक के हम 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम मसाले भून लेते हैं। यहाँ पे एक कढ़ाई में मैंने एक चम्मच तेल गरम कर लिया। इसमें डाल दिया मैंने एक चम्मच जीरा और एक चम्मच राई। राई को अच्छे से तड़कने देंगे। मसालों के लिए यहाँ पे मैंने प्याज लिया है, शिमला मिर्च ली है और टमाटर लिया है। अब हम तेल में डाल देंगे प्याज, इसे अच्छे से भून लेंगे। देखिए प्याज इससे अच्छे से भुन गए हैं। अब इसमें डाल देंगे हम शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को अच्छे से भून लेंगे। वैसे इन सब्जियों को ज़्यादा पकाने की ज़रूरत तो होती नहीं है। अब इसमें डाल देंगे हम नमक स्वाद के अनुसार, और अब डाल देंगे हम टमाटर, और इन सबको हम अच्छे से पका लेंगे। जल्दी ही पक जाती है सब्जियाँ। देखिए अच्छे से पक गए। अब इसमें मसाले डाल देते हैं। हल्दी डाल दी यहाँ पे मैंने आधा चम्मच, धनिया पाउडर डाल दिया, गरम मसाला आधा चम्मच डाला है, और लाल मिर्च पाउडर डाल दिया। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे। ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा पानी, ताकि हमारे जो मसाले हैं वो जले नहीं, और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर दिया। अब इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा नींबू का रस। आप चाहो तो आमचूर पाउडर का यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। देखिए पूरे एक नींबू का रस डाल दिया और अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसमें डाल देंगे हम पनीर। यहाँ पे मैंने पनीर लिया है, जिसे क्रश कर दिया। इसे आप चाहो तो कट करके भी डाल सकते हो छोटे छोटे टुकड़ों में। और अच्छे से मसाला तैयार कर लेंगे इसका, अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। ये देखिए मसाला तैयार हो गया। अब इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे साइड में। अब जो हमारा डो है उसे तैयार कर लेते हैं। इसे भी 15 मिनट हो गए हैं। ये देखिए एकदम सॉफ्ट हो गया। अब इसकी छोटी छोटी लोइयां बना के तैयार कर लेते हैं। जैसे हम पूरी बनाते हैं छोटी छोटी, वैसी बना लेंगे। और तो चलिए अब इसे हम बेल लेते हैं पूरी के साइज का। थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं ताकि चिपके नहीं। इसकी हम पूरी बना लेते हैं। ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है। ये देखिए पूरी बना ली। अब इसमें हम स्टफिंग भरेंगे। थोड़ा सा बेल लेते हैं पहले। ये देखिए बेल लिया है मैंने इसे, ना ही ज़्यादा मोटा रखा है ना ज़्यादा पतला। अब इसमें स्टफिंग भर लेते हैं।
अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल सीमाज किचन चौहान को। यहाँ पे मैंने आटा थोड़ा सा पानी डाल के पेस्ट बनाया ताकि हम समोसा बॉक्स को चिपकाने के लिए। तो चलिए हम बनाते हैं समोसा बॉक्स। देखिए ऐसे कर देंगे इसे और यहाँ पे लगा देंगे थोड़ा सा आटा जिसे पानी में भिगो के पेस्ट बनाया था, देखिए, ताकि फ्राई करने पे हम खुले नहीं। ये देखिए यहाँ से भी बंद कर देंगे दोनों साइड से, या फिर आप चाहो तो आटा भी लगा सकते हो और फिर ऐसे चिपका सकते हो। अब इसे हम पलट देंगे और बॉक्स के जैसा शेप दे देंगे। यहाँ भी थोड़ा सा पेस्ट लगा लेते हैं ताकि ये खुले नहीं। ये देखिए इसे यहाँ भी थोड़ा आटे का पेस्ट लगा देते हैं और इसे बंद कर देते हैं ताकि फ्राई करते वक्त ये खुले नहीं। ये देखिए बॉक्स बन के तैयार हो गया। तो चलिए एक और बना लेती हूँ मैं। स्टफिंग डाल देते हैं अच्छे से। आप अपने हिसाब से इसे कोई भी यूनिक शेप दे सकते हो। मैंने यहाँ पे बॉक्स बनाया है, आप चाहो तो समोसा या फिर कुछ भी आप अपने हिसाब से शेप दे सकते हो जैसा आपको अच्छा लगे। ये देखिए मैंने इसे यहाँ भी चिपका लिया और अब हम इसे फ्राई कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए तेल गरम हो गया है, गैस की आंच हमें धीमी रखनी है और अब हम फ्राई कर लेते हैं इन सब समोसा बॉक्स को। ये देखिए अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिए। अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखिए मैंने फ्राई कर लिए, तो चलिए सेकंड बैच भी ऐसे ही फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए मैंने सभी को फ्राई कर लिया है, तो चलिए अब मैं इसे तोड़ के दिखा देती हूँ आपको कि ये अंदर से पका है कि नहीं। ये देखिए बहुत ही अच्छे से पक गया है ये अंदर से। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।